मसलन इस वक्त हम बिल्ड एशिया 2022 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आए मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि इस इकनॉमिक कंडीशंस के अंदर उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हैं उसका उन्हें कैसा रिस्पांस आ रहा है और क्या वो प्रोडक्ट्स लेकर आज एग्जिबिट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सीका केमिकल्स के अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। इस इकनॉमिक कंडीशंस के अंदर जहां पूरे मुल्क में रिसेशन है, इकनॉमी मुश्किल के अंदर है, क्या सोच के आप इस एग्जीबिशन में आए और वो कितना टारगेट अचीव हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मालिक है और मैं सीका पाकिस्तान में टारगेट मार्केट मैनेजर फॉर फ्लोरिंग एंड रिफर्बिशमेंट हूँ और स्पेसिफिकेशन। इस एग्जीबिशन में हम को पहली दफ़ा नहीं आए, वी आर फ्रीक्वेंट विजिटर, हम एग्जीबिटर हैं यहाँ पे और पहले भी इससे पहले भी कर चुके हैं। मकसद इसका ये होता है कि मार्केट में एक इंट्रैक्शन हो जाती है कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स के साथ, और उनको हम अपने प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स जो हैं वो दिखाने का मौका मिलता है। तो ये पर्पज़ होता है, एक मार्केटिंग का जिसे कहते हैं रिक्वायरमेंट है जो कि हम पूरी कर रहे हैं। कितना अचीवमेंट हुआ वो पर्पज़ के, हालात की वजह से कितना विजिटर आया, किससे मुतमईन है? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये जो एग्जीबिशन हैं इसके अंदर हम कोई बिजनेस गेन करें, ऐसा नहीं होता। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम इंट्रैक्शन करते हैं और लोगों को अपने सिस्टम वगैरह बताते हैं। फ्यूचर में ये डेवलपमेंट के काम आता है लेकिन इट इज़ नॉट फॉर टेकिंग द ऑर्डर्स। सीका पाकिस्तान के बारे में बताइएगा, किन किन केमिकल्स में डील कर रही होती है और कौन कौन सी इंडस्ट्री को सर्व कर रही होती है? सीका पाकिस्तान सीका कॉर्पोरेट का एक ग्रुप है जो कि 103 मुल्कों में काम कर रही है और सीका पाकिस्तान 100% ओन्ड सब्सिडरी है सीका स्विट्ज़रलैंड की। हमारी जो टारगेट मार्केट्स हैं उसमें कंक्रीट, वाटरप्रूफिंग, फ्लोरिंग, रिफर्बिशमेंट, सीलिंग एंड बॉन्डिंग और इंडस्ट्री हैं और इसके अलावा बिल्डिंग फिनिशेस भी हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने केमिकल्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, हम उनमें डील करते हैं। सीका 110 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 103 मुल्कों में है और मोर देन 8 बिलियन स्विस फ्रैंक का इसका एनुअल टर्नओवर है। अच्छा, एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है जहाँ पे मिस्त्री होता है और वो इन सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा होता, कितनी मुश्किल आती है आप लोगों को इस सारे केमिकल्स को मार्केट में सेल करने के वाले से? जी, हमारा जो इंट्रैक्शन है वो एक लेबर जिस तरह टाइल फिक्सर है उससे लेके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी और कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर सब के साथ होता है। तो हम पूरे के पूरे इस स्पैन को कंस्ट्रक्शन के कवर करते हैं और जो ट्रायंगल बनती है कि क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर की, उसको भी हम कवर कर रहे होते हैं। तो हम जो आपने बात की कि टाइल फिक्सर की एंड में हम डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट रखा हुआ है जो कि रिटेल मार्केट को देखते हैं, उसके एंड से हम इनके लिए आगही के प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि हाउ टू अप्लाई दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, तो ये हम इनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं। फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स के एप्लीकेटर्स होते हैं उनको अलग से हम ट्रेन करते हैं और उसके लिए हम बाहर से भी अपने एक्सपर्ट बुलाते हैं जो हमारी फैक्ट्रीज में आके इनकी ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू वेरी मच।